अली फरमाते हैं खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था उन्हें। शिबली नौमानी फरमाते हैं हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आखिर में तशरीफ ले गए। नहीं समझे तू जी, आखिर में तशरीफ ले गए, सबसे पहले वापस आ गए थे। मैदान जंग में पैगंबर आदम अकेला रह गया, एक आमना का चांद फिस को फजूर के बादल, सारे काफरों को मौका मिल गया, साथी छोड़ गए, साथी छोड़ गए, जल्दी करो बदला लो, चारों तरफ से हमला करो, चारों तरफ से बदतमीज बिफरे हुए कुत्ते सगे तहन दरीदा की तरह कायनात के रहमत अल आलमीन नबी पे हमला आवर होने के लिए था। ये एक इंच भी भागे तो नबी न रहे, तलवार निकाल ले तो कयामत आ जाए। नहीं समझे फिक्र, मैं तेज सी गया या तू सब पीछे चले गए? रहमत अल आलमीन तलवार चलाए तो कयामत आ जाए, मैदान छोड़ दे तो नबी न रहे। मुस्तकिल होके नफ्स मुतमईना का नाना, अपने घोड़े पे तशरीफ फरमा रहा, काफिर इतने करीब आ गए कि अब उनके पत्थरों से खून निकलने लगा, पत्थर मार रहे थे। अल्लाह करे मैं फिक्रा समझा सकूं, या साहिब जबान महदी आखरो जबान, हाथों में काफिरों के तलवारें, इतना पहुंच गए थे करीब जितना ये माइक है, घोड़े पे बैठे मुस्तफा बिफरे हुए बेगैरत काफिर चारों तरफ, तलवारें तार के यूं की उन्होंने, तलवार यहां पहुंची, मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा या अली, दरमियान में मोहम्मद मुस्तफा, चारों तरफ से काफिरों का बिफरा हुआ लश्कर, बिस्मिल्लाह कर रहा शक्के, दरमियान में सज्जद अलंबिया जोरा बाद बह के जेड़ा बंदा सुरसी और समझना, सफर करके मेरे साथ ओहद के मैदान में चलो, जिसके पास किराया नहीं है यही बैठे हम हो के अभी वापस आते। दरमियान में आमना का लाल नफ्स मुतमईना का नाना बैठा हुआ है, चारों तरफ से मुशरकीन ने हाथों में तलवारें ले ली, इतना करीब आ गए, ये माइक जितनी दूर है मुझसे इतनी दूर मोहम्मद मुस्तफा, और इतनी दूर खड़े हुए काफिर, काफिरों ने तलवारें यूं की, मुस्तफा की आवाज या अली, या मुशरक और मोहम्मद के दरमियान से अली बस गुजर गया। गुजर गया, उसने तलवार को टेढ़ा किया हुआ था और अपने घोड़े पे मुतमईन एक हाथ से दो भागों पकड़ के अपनी तलवार को टेढ़ा करके, अली ने शू शू भी नहीं किया, खाली तलवार को टेढ़ा करके कब्जे को पकड़ के उल्टी तलवार, अली इस तरह से लेके बैठा था, मोहम्मद अली की जियारत कर रहा था, अली मोहम्मद की जियारत कर रहा था, दोनों भाइयों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। अली ने मोहम्मद के चक्कर काटना शुरू कर दिए, काट काट के मुशरिकों के सर गिरते गए, किसी का चिगर नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी की गर्दन नहीं, अली ने 30 चक्कर काटे, यानी कुल्ला ईमान काबा ईमान का तवाफ कर रहा था। कुल्ला ईमान काबा ईमान का तवाफ कर रहा था,
करोगे? हाय हाय, मेरी जरूरत नहीं कि मैं मंजर समझा सकूं, तुम्हारी मार्फत उसी तो समझो। अली फरमा रहे पहले तो तलवार ऐसे थी दाएं हाथ में टेढ़ी करके, मैं दिखाऊंगा नहीं, एक दो तेरी इस तरह तलवार उठाई हुई थी ज़ुल्फ़िकार, और घोड़े की बागे ऐसे पकड़ी हुई थी, और देख रहा था मुस्तफा के चेहरे, इत्मीनान बराबर, मुस्कुराहट बराबर, मोहब्बत बराबर। वो उसे देख के हंस रहा है, वो उसे देख के हंस रहा है, चक्कर काट रहा था, अचानक बेगैरत की आवाज आई, मोहम्मद कत्ल हो गए। अली फरमाते मैंने बागों को छोड़ा, दाएं हाथ से तलवार को अपने बाएं हाथ में फेंका और इस हाथ से काफरों को काटना शुरू किया। मैंने कहा या अली दाएं हाथ से लड़ते ये बाएं हाथ से क्यों लड़े, दाएं हाथ कहां गया? फरमाया दाएं हाथ में मोहम्मद को उठा लिया था, इधर से लड़ता जाता था, हाथ उठा के कहता जाता था हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, ये है मोहम्मद, ये है मोहम्मद, ये है मोहम्मद। आवाज कुदरत आई मोहम्मद मुस्तफा, हर जजा लेसान इल्ला लेसान, एहसान का बदला एहसान है। आज इसने तुझे उठा के हाजा मोहम्मद कहा है, कल कदीर में तू इसे उठा के हाजा अली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.